एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। ससुराल में ये चोंचले नहीं चलते। जिस इलाके से तुम दोनों उठकर आई हो वहां चलते हैं ये चोंचले? वहां तो जैसे तैसे दो वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। जब मैं इस कमरे में रहती थी ना तो मेरी कुछ चीजें इस कमरे के सेफ में रहती हैं, वही लेने आई हूं। अब उसे साफ साफ कह देना कि अब आइंदा मेरे कमरे में ना आए वो। आदिल, मैं उन्हें कैसे मना करती? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों मना नहीं कर सकती? अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स को भेजा तुम्हारे घर, आई मीन अपना प्रपोजल लेकर। अरे याद आया, कल तो मेरा रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट? अरे मैंने सीएसएस का एग्जाम दिया था ना, वो रिजल्ट भूल गए हो क्या? हाँ रिजल्ट। छोड़ो यार, आ भी जाएगा तो कौन सा कोई खास फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी अब तो तुम बिजनेस स्टार्ट कर ही चुके हो ना। अरे तो भाई रिजल्ट देखने में क्या हर्ज है? अच्छा एक बात तो बताओ, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो भी गए तो क्या करोगे? सोचूंगा बाद में कि क्या करना है। What do you mean कि सोचोगे? मतलब तुम इतना बड़ा बिजनेस देख रहे हो जो करोड़ों का है, और उस छोटी सी नौकरी की वजह से तुम वो बिजनेस छोड़ दोगे? हिना क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे वाले साहब के पास में नौकरी तो कर रहा हूँ, कारोबार में मेरा कोई हिस्सा थोड़ी है। ओ क्या बात है, यानी कि मजाक मजाक में आ गई दिल की बात जुबान पे। तो तुम ये चाहते हो कि ये सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया जाए? हाँ क्या हो गया है ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, मेरा ये मकसद थोड़ी था। अब वैसे हम इस फजूल सी बात पे बहस क्यों कर रहे हैं इतनी देर से? आता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अभी तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना क्या मसला है। बताओ ना हुमा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर चलो। ओके। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। क्यों कर रही हो इस तरह? और ये रिंग, ये क्यों उतार दी तुमने? ये मैंने तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम इसको हमेशा पहन कर रखो। मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो तुम? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूं। लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं तुम उतना मुझसे दूर चली जाती हो। मैं पागल नहीं हूं, तुम्हारे लिए कुछ करना ही बेकार है, तुम किसी काबिल नहीं। अब मैं आइंदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, भाड़ में जाऊंगा। मैं तो तुम्हें बहुत भोली और मासूम समझती थी,
काफी मकार हो तुम। क्यों? अब मैंने क्या किया? अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप कम से कम मुझे बताएं तो सही, मैंने किया क्या? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती? तुमने जाके आदिल से मेरी शिकायत कर दी, उसे मेरे खिलाफ कर दिया। मैं आपके खिलाफ क्यों करूंगी, मैंने सब कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे कमरे में अपने कागजात ही लेने आई थी ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात थी? तुमने जाके आदिल से मेरी शिकायत कर दी। ओह, आप गलत समझ रही हैं, मैंने बुरी नीयत से कोई बात नहीं की। वो मेरे शौहर हैं और इन्हें बताना मेरा फर्ज है कि आप सेफ की चाबी मांग रही थी, इसमें मैंने बुरा क्या किया? जानती हूँ तुम कितनी साफ नहीं थी। सबा, तुम शायद भूल रही हो, मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी? मैं किसी से क्या दुश्मनी करूंगी, और वो भी आपसे? बहुत इतरा रही हो ना तुम। तुम उसे नहीं जानती, मैं उसकी असलियत जानती। अभी शादी के शुरू के दिन है ना, इसलिए इतना केयरिंग बन रहा है। कुछ महीनों बाद जब ये मोहब्बत का फूल उतरेगा ना, फिर पूछूंगी मैं तुमसे। ठीक है, मैं इनको तफसील से देखूंगा, तुम इन्हें मेरे पास छोड़ जाओ। श्योर, बस कोशिश करना, ये सब कुछ रास्तारी में। रचना को इस फाइल की बहुत तलाश है, अगर ये फाइल उसके हाथ लग गई तो बहुत बुरा होगा, और अगर सबक को सब कुछ पता चल गया तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। यार, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि इन रिपोर्ट्स की एक कॉपी करा के मुझे दे दो, ताकि मैं कंसल्टेंट से डिस्कस कर लूं। कॉपी कराने की क्या जरूरत है, तुम ये ओरिजिनल फाइल अपने पास ही रख लो, तुम्हारे पास महफूज रहेगी। ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। थैंक यू वेरी मच, मैं सिलसिले में तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। यार आदिल, तुम मेरे क्लाइंट ही नहीं, बचपन के दोस्त हो। ये फाइल मेरे पास छोड़ जाओ और बेफिक्र होके घर चले जाओ, तब तक मैं कंसल्टेंट को ये फाइल दिखा के तुम्हारा इलाज शुरू करवाता हूँ। चलता हूँ, खुदा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हुआ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जवाब दोगी तुम? मुझे लगता है एक मैं ही ढीठ हूं जो बार बार सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश में लगा रहता हूं, तुम्हें को फर्क ही नहीं पड़ता? तुम्हें मेरे प्यार और केयर की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम दिमागी मरीजा हो। हुमा, जवाब दोगी तुम? ओके फाइन, गो टू हेल। इसमें खुश होना चाहिए, मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं जरूर तुम्हारी हौसला अफजाई करती अगर तुम सरकारी कुर्सी पर होते। बेटा, इस कुर्सी और सरकारी कुर्सी में बड़ा फर्क है। तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अरे तुम कौन सी कम हो,
तुम भी मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर वहां चली गई। तुम दोनों को सिर्फ अपनी खुशी अजीज है, अपनी फीलिंग अजीज है, मेरी कोई फिक्र नहीं है किसी को। पुल के उस पार, पुल के उस पार। आई एम सॉरी मामा, मुझे वही रास्ता इख्तियार करना पड़ा जो रशना ने किया था, और मैं ये जान गया हूं कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। क्योंकि कुछ वालदैन ऐसे होते हैं जो किसी सूरत भी बच्चों का नुक्ता नजर समझने को तैयार नहीं होते, इसलिए उनसे बहस करना या उन्हें कायल करना औलाद के लिए नामुमकिन हो जाता। मुझे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने नादश से निकाह कर लिया, क्योंकि मैं आपकी नेचर अच्छी तरह जानता हूं, आप कभी नहीं झुकेंगे, इसलिए मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं आपको अपनी बीवी के सामने झुकाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाज़िश को लेकर दुबई शिफ्ट हो रहा हूं, ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है। मैं आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहूंगा। अगर आप मुझे दिल से माफ करती हैं तो मैं आपसे मिलने भी आया करूंगा, मगर मैं ये बात जानता हूं कि आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मी, अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं अपने सीएसएस के एग्जाम में पास हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख कैसा, मेरा बच्चा पास हो गया, शुक्र है तेरा मौला। अम्मी, ये मिठाई और मुबारकबाद के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी दुआओं और तरबियत की वजह से मैं आज इस मकाम पर पहुंचा। अगर हर बेटे के पास आप जैसी माँ हो तो कामयाबी हर मोड़ पे उसका कदम चूमती है। आपकी दुआ में बहुत असर है। अम्मी, क्या हो गया? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? ये खुशी की आंसू है बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी दुआएं रंग ले आई। आज अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो हम दोनों को तुम पर बहुत फख्र होता। बेशक अम्मी। अच्छा ये बताओ, तुम अफसर कब बनोगे? अरे अफसर तो मैं बहुत पहले बन चुका हूं अम्मी। बन चुके हो? क्या मतलब बेटा? अरे देखिए, अब इतना बड़ा कारोबार मैं संभालता हूँ, मेरा अपना केबिन है, प्यून्स मेरे बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं, मेरे मातहत 20 से 25 लोग हैं, यही तो अफसरगिरी है और क्या है बेटा। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि तुम सरकारी अफसर बनो, लोग आते जाते तुम्हें सलाम करें, और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारे वालिद की भी यही ख्वाहिश थी। आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन कारोबार करने का मौका अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। अब कुदरत ने यह मौका मुझे दे दिया है तो आपको तो इसमें खुश होना चाहिए, मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं जरूर तुम्हारी हौसला अफजाई करती अगर तुम सरकारी कुर्सी पर होते। बेटा इस कुर्सी और सरकारी कुर्सी में बड़ा फर्क है। मेरी बात को बहुत इत्मीनान और
गौर से बैठ के सोचना। मामा क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? और सलीम भाई कहाँ हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। क्यों मामा, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मामा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे तो बताएं। तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अरे तुम कौन सी कम हो, तुम भी मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर वहां चली गई। तुम दोनों को सिर्फ अपनी खुशी अजीज है, अपनी फीलिंग अजीज है, मेरी कोई फिक्र नहीं है किसी को। मैंने तुमसे कहा ना, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला, नहीं है मुझे किसी की जरूरत। मामा मामा बात तो सुने, आप ठीक कह रही थी भाभी। कामरान जिससे फोन पे और मैसेज पे बात करता है वो कोई लड़का नहीं है, वो उसकी दोस्त है माहम। ओ तो ये बात है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अरे भाई और कितना टाइम लगेगा खाने में, ले भी आओ। सॉरी ये लीजिए, ये ले। अरे सबा बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे शुगर है, मैं ये दाल चावल नहीं खाता। सालन कहाँ है? मामूजान वो आज मुलाजमा नहीं आई, जल्दी जल्दी में बस लंच में यही बना लिया। ये तो कोई बात ना हुई, मुलाजमा तो अक्सर बीमार रहती है, अब क्या हमें ये सब कुछ खाने को मिलेगा? कोई ढंग का खाना नहीं बना सकती हो? ये हुमा बेटी कहाँ है? हुमा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद सुबह से अपने कमरे में ही है। इस कदर चालाक बहुएं मिली हैं मुझे, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की गई ना, इसलिए मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रचना तुम भी तो उस घर की बहू हो, अगर तुम सबा का हाथ बटा लेती तो क्या हो जाता? आदिल आज दरअसल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बीपी बहुत लो था मुझसे, किचन में बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आई एम सॉरी। आप फिक्र मत करें मामूजान, मैं 5 मिनट में कुछ बना देती हूँ। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, काम तो तुम्हें कोई करना आता नहीं है, जाओ जाके अपनी माँ के साथ किचन में काम करो और खाना सर्व करो। सबा ले भी आओ खाना, और कितना इंतजार करवाओगी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आपको? उठो बेटा, दिखाओ लगी तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है, नीचे कारपेट देखो, देखो और बर्तन तोड़ दिए इतने महंगे। अम्मी जान आप फिक्र मत करें, मैं सब साफ कर दूंगी, मैं देख रही हूँ उसको चोट तो नहीं लगी। अरे बच्ची है, संभाल नहीं सकी। इतना महंगा कारपेट और फिर बर्तन, छोड़ दो ये चोंचले, छोड़ दो, चलो जाओ जाकर रोटी डालो। पता है ना तुम्हें, आदिल को खाना टाइम पर ना मिले तो उसका मूड खराब हो जाता है। जाओ आदिल, बस कर दिया ना उसका मूड खराब, जाओ किचन में। अब खड़ी भी मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से, हमें तो खाना खाने दो। जी क्या हुआ हुमा, सब ठीक है ना? तुम आज खाने पे भी नहीं आई? अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे। तुम इस वक्त काफ़ी परेशान लग रही हो हुमा, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ के भी यहाँ से जाने को कहोगी ना तो मैं नहीं जाऊँगी। तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन समझो। अब बताओ क्या बात है? आप ठीक कह रही थी भाभी, कामरान जिससे फ़ोन पे और मैसेज पे बात करता है वो कोई लड़का नहीं है, वो उसकी दोस्त है माहम। ओ तो ये बात है,
तुम्हें कैसे पता चला ये सब? उसके फोन पे कॉल आ रही थी, मैंने अटेंड की थी। देखिए बात ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है और वो उससे बात करता है, बात यह है कि उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मुझसे छुपाया, ये तक नहीं सोचा कि हमारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है। मैं भी तो उसके लिए सब कुछ भूल गई ना। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शुरू शुरू में ये ऐसे ही मीठे बने रहते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, ये लोग अपने रंग ढंग बदलने लगते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। हाँ, अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले तुम अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि हमने इन लोगों पे पीछे से वार करना है जो काफ़ी कारी हो और तकलीफ देगी। अब रोने की बारी तुम्हारी नहीं, कामरान की है। वो कैसे? बताऊंगी, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगी। बस तुमने अब वो करना है जो मैं तुमसे कहूँ। मेरी बीवी को अपनी बेटी के अलावा किसी और की भी फिक्र होती है। कि क्या कह रहे हैं आप आदिल? दो बीवियां हों तो दोनों से बेहतर बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। भाई एक से कोई अनबन हो जाए तो बाहर निकल के सिगरेट फूंक फूंक के अपना कलेजा जलाने से क्या फायदा? बाहर आकर कैसे मासूम और घुन्नी बन जाती है लड़की, और कमरे में जाकर मेरे बेटे को प्रेशराइज करके उसे अजियत देती रहती है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार।